इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है, कहां से क्या चीज सीखनी है और क्या आपको इतना कुछ सीखना भी है जो आप लोगों को बताया जाता है। मैं आप लोगों के साथ कुछ फ्री कोर्सेज शेयर करूंगा जो कि लिटरली मुझे ढूंढने में सालों साल लग गए, और कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। तो डेटा साइंटिस्ट कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और प्रोसेस करता है रॉ डेटा को ताकि उससे कुछ इंसाइट्स निकाले जा सके। Amazon, इतना सारा डेटा है, रेकमेंड कौन सा प्रोडक्ट करना है कि जल्दी से बिक जाए। गूगल एड्स, अगर आप लोगों को एक ऐसा एड दिखाएगा जो कि आप लोग जिसमें रुचि रखते हो और उसको खरीद ही लोगे, ज़्यादा फायदा होगा, गूगल एड्स के कस्टमर्स का ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग जब डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे तो आप लोगों को इसी तरह का काम पकड़ाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा प्रोडक्ट दे दिया जाएगा कि यार जाओ रिकमेंडेशन इंजन बनाओ अमेजोन का, उसमें से कुछ पार्ट्स पकड़ाए जाएंगे आपकी, लेकिन इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 62% इंक्रीज हुआ है डिमांड में करंट ईयर में, और आने वाले टाइम में तो यार ये जॉब तबाही मचाने वाली है क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट आ गया है। खासकर इंडिया की बात करें तो इंटरनेट का एक्सेस बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट का मतलब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और डेटा बनेगा। डेटा का मतलब अपॉर्चुनिटी बनेगी, अपॉर्चुनिटी डेटा एनालिसिस की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो डेटा एनालिसिस करेगा कौन? डेटा साइंटिस्ट करेगा। इसीलिए 10 लाख के करीब एवरेज सैलरी है, ये एवरेज है, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 10 लाख की सैलरी है। चलो कंप्लीट रोड मैप देख लेते हैं इस वीडियो में। आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप लोग सुनने के बाद जितने टाइम में आप लोगों को बताया जाता है उससे कम टाइम में अचीव कर लोगे और अच्छी तरह से आराम से इजीली अचीव कर लोगे। इनमें से कुछ पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो कि मैंने खुद लागू करी हैं और मेरे लिए वो बहुत यूजफुल साबित हुई। तो ये सारा जो डेटा ये मैंने ग्लास डोर से निकाला है जॉब्स वगैरह का, और ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल था उससे निकाला है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए और वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से सीखनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप गेस करोगे तो शायद आपका गेस गलत हो जाए, क्योंकि पहली चीज़ प्रोग्रामिंग नहीं, मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स रखूँगा। तो मेरा जो पहली चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए, मैं रखूँगा स्टैटिस्टिक्स मैंने लिखा, मैथमेटिक्स नहीं लिखा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, जो DY/DX आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसका असल में क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि आप लोग जो है मीन, मीडियन, मोड, और ये जो नोट्स है ना मैं आप लोगों को दे दूंगा क्या क्या चीज़ें सीखनी है, ये सब एक मैं आप लोगों को कंपाइल करके दे दूंगा। मीन, मीडियन, मोड यहाँ पर, फिर आप लोगों को DY/DX का जो रियल मीनिंग है वो सीखना है। फिर उसके बाद इसके लिए एक बहुत ही अल्टीमेट रिसोर्स बताता हूँ कि यार स्टैटिस्टिक्स कहाँ से सीखनी है। देखो स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, पहली चीज़ है स्टैटिस्टिक्स जो कि आपको आनी चाहिए, उसकी एक बहुत अच्छी रिसोर्स बताता हूँ, एक किताब है हाइंस करके, ठीक है। लेकिन इस किताब को दिल पर मत लेना, मैं बताता हूँ इस बात का क्या मतलब है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन इसको दिल पे मत लेने का मतलब यह है कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप लोगों को क्या सीखना है, आप लोगों को सीखना है मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, डेटा जो होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में फिट किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा फोकस देना, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना बस हो गया, इतना काफ़ी है। तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना। फिर उसके बाद आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन, इस पर मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है, उसके कुछ 4-5 वीडियोस देख लोगे वहाँ से समझ जाओगे ऑप्टिमाइजेशन ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में सही से। सब लिंक डाल दूंगा मैं आप लोगों को, दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, रुको बताऊंगा कहाँ पर दूंगा। इसके बाद आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ग्राफ्स लिखूंगा। अब ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है हर फंक्शन का ग्राफ बनाना लग जाएं बहुत ही खतरनाक से, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जो y=x है उसका ग्राफ ये होता है, y=mod x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है, और भी ग्राफ्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ग्राफ्स को अभी साइड में रखूँगा और यहाँ पर एक रिसोर्स बताऊँगा ग्राफ्स की, कि ग्राफ्स कहाँ से सीखने हैं। एक प्ले विद ग्राफ्स करके बुक आती है, ठीक है, प्ले विद ग्राफ्स। अब आप लोग को इसकी कॉपी कहीं से भी मिले वो मुझे नहीं पता, आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाए तो अच्छी बात है। प्ले विद ग्राफ्स करके मिस्टर अमित अग्रवाल जी की किताब है, बहुत अच्छी लिखी है, धमाकेदार किताब लिखी है, ठीक है, प्ले विद ग्राफ्स। इसको थोड़ा देखना है बस, आप बेसिक ग्राफ्स जान जाओ। मैं नहीं कहता कि कवर टू कवर पढ़ो, ना कवर टू कवर इसको पढ़ना क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे। लेट्स बी रियल हेयर, देखो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, कवर टू कवर पढ़ लो, लेट्स बी रियल हेयर। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं बताना चाहता जो हो ना पाए, मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 महीने के टारगेट से थोड़ी सी डेडिकेशन, मेहनत, लगन लगा दोगे
आराम से हो जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हाइन से आपने क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ऑप्टिमाइजेशन मेरी मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट से देखना है, डी वाई बाई डी एक्स भी आप लोगों को वहीं से पता चल जाएगा मेरी ऑप्टिमाइजेशन की, जो मैंने मशीन लर्निंग के शुरू में प्लेलिस्ट बना रखी है उससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। मीन मीडियन मोड्स के लिए हाइन मैंने आप लोगों को बताई, हाइंस करके किताब है एक, उसमें एक ऑथर मॉन्टगोमरी भी है, देख लेना, ठीक है, किताब अच्छी है, मैं लिंक डाल दूंगा, बता दूंगा आपको ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो ये था स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू, क्योंकि भाई स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इतनी आनी चाहिए, ये चीज मैथमेटिक्स में आ जाती है, जो ग्राफ्स होते हैं इतनी आपको आनी चाहिए भाई, देखो ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार ये आ गई आपको, देखो यहां पे अटके नहीं रह जाना है, सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, लोग अटके रह जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, अटके रह गए, प्ले विद ग्राफ्स को कवर टू कवर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, तो यार 3 महीने में आपके हाथ में प्ले विद ग्राफ्स ही दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्ले विद ग्राफ्स से आपको एक मतलब आइडिया ले लेना है कि आपको अगर किसी ने बोल दिया कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को प्लॉट करो, तो आप जो है हाथ खड़े करके ना बैठे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हाइन से आ जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन और ग्रेडियंट डिसेंट डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मतलब वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बता रखा है, वो भी आपको लिंक दे दूंगा। देखो ये जो रिसोर्सेज बताऊंगा ना इस वीडियो में, इसका एक पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत लेना, अभी अभी सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, सुन लो कि कैसे करना है, स्ट्रैटेजी भी ध्यान दो, ये सारे इसके नोट्स अभी मतलब वो मैं दे दूंगा बना के, वो भी कर रखा है मैंने, उसका प्रबंध भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं आप लोगों के लिए। देखो प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर टू में आ जाऊँगा प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता यार वीडियो को, मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी से आप लोगों को प्रोग्रामिंग यहाँ पर बता देता हूँ कितनी सीखनी है। प्रोग्रामिंग में आप लोगों को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं पाइथन का नाम लिखूंगा, रीज़न बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको चाहिए जॉब, ठीक है, अब अगर आपको चाहिए जॉब तो इससे अच्छी कोई लैंग्वेज है नहीं सीखने के लिए। एक आर भी होती है लैंग्वेज, बट मैं यहाँ पर अगर आप लोग एक बिगिनर है पाइथन रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपको पाइथन बेसिक्स मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट से लर्न कर लेना है, तो पाइथन बेसिक्स के लिए मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा कोर्स है कंप्लीट, 129 वीडियोस के अराउंड है, वो देख लेना, वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नमपाई के बारे में जानना है, पैंडास के बारे में जानना है, लिख देता हूँ, नमपाई का मेरा एक वीडियो है, पैंडास का भी मेरा एक वीडियो है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रखी हैं, दोनों का एक एक वीडियो है, लर्न नमपाई इन वन वीडियो है, लर्न पैंडास इन वन वीडियो है, पाइथन का कोर्स है, वो तो मैं वही रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने उसमें ऐसे ही डाला है कि आप लोगों को परफेक्टली कम से कम टाइम में समझ में आ जाए, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप लोगों को मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न सीखना है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब क्या है, मैटप्लॉटलिब पे रखना फोकस, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है और सीबॉर्न भी एक लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को मदद करेगी डेटा विजुअलाइजेशन में। तो डेटा विजुअलाइजेशन अगर करना है मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न बहुत बढ़िया है दोनों, मैटप्लॉटलिब से स्टार्ट करना, बाद में सीबॉर्न पे भी लौटना, इसको ऑप्शनल पे रखना, ठीक है, इनिशियली मैटप्लॉटलिब पे फोकस रखना। अब मैटप्लॉटलिब क्यों सीखना है, डेटा विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यार जब आप अपनी कंपनी में काम कर रहे होगे, सीनियर मैनेजमेंट के पास जाओगे, आपको डेटा से जो आपने इनसाइट्स निकाली हैं, जैसे कि हमने देखा कि डेटा साइंटिस्ट यही करता है, कलेक्ट एनालाइज एंड ड्रॉ सम इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, जब आप इनसाइट्स निकालोगे डेटा में से, तो आप लोग कोड तो दिखाओगे नहीं, आप ये तो कहोगे नहीं कि भाई इंपोर्ट नंपाई एज एन पी देख लो, लो वो कहेगा मैं क्या करूँगी, क्या लिखा हुआ है तुमने चाइनीज में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने वहाँ पर जो दिखाओगे वो चीज़ दिखाओगे, अपने एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो, जो इनसाइट्स हैं आपने डेटा से ड्रॉ करी हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स, उसमें आपको ये मदद करेगा ऑटोमेटिकली ग्राफ्स जनरेट करने के लिए मैटप्लॉटलिब। अब एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है, जो बेसिक ग्राफ्स हैं वो आप एक्सेल में बनाने लायक होने चाहिए, आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप एक्सेल की सहायता से ग्राफ्स बना लो। अब आपको कहोगे तो मैं ये क्यों सीखूं फिर एक्सेल से, देखो यार एक्सेल में अगर आपको एक्स वाई प्लॉट करना है तो ये नहीं करना चाहिए यूज़ आपको, क्योंकि वो एक्सेल से फास्ट हो जाता है। तो एम एस एक्सेल की स्किल भी मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐड करूँगा, और टाइम नहीं लगता यार, एक्सेल कभी खोला है आप लोगों ने स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एम एस एक्सेल खोल लेना, खोल के थोड़ा बहुत इधर उधर आप करोगे आपको खुद आ जाएगा, वो एक ऐसी चीज़ है। अब एक्सेल के लिए मैं कोई कोर्स यहाँ पर बताऊंगा नहीं आपको कि यार ये कोर्स कर लो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर इस लेवल की बातें कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को कंप्यूटर ऑन करना और एक्सेल सिखाया जाएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक अच्छा आइडिया ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइडिया ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आइडिया ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आइडिया ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं कि आप मेरी डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को लेके ही बैठ गए, अगर आप 3 महीने के अंदर ये सब करना चाहते हो तो शायद आपको मेरी जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है वो थोड़ी लंबी पड़ जाए, ठीक है। तो आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट देख लो, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको बहुत काम आएगा जब आप अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ करोगे डेटा पर
अप्लाई करोगे उन एल्गोरिथम्स को, तब वहाँ पर आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम चैंपियन बनना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, एक आइडिया ले लेना है कि भाई क्या होता है एन स्क्वायर, क्या होता है एन, कौन सा एल्गोरिथम फास्ट है, एक फॉर लूप को आपने 100 बार चलाया वो फास्ट चलेगा, या फिर एक फॉर्मूले में डाल के सम ऑफ एन नंबर्स निकाल लिया वो फास्ट चलेगा। ऑब्वियसली एक फॉर्मूले में डालोगे तो फास्ट चलेगा, लूप जो है प्रोसेसिंग करेगा बार बार और उसकी वजह से स्लो हो जाएगा। इतना आइडिया बस आप लोग को होना चाहिए, वो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियोस में दे रखा है, वहाँ से उठा लेना, 3 वीडियोस हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, क्वेश्चन भी करा रखे, उतना देख लेना बस, उससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला जो मैंने लिखा है वो लिखा है डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस आना चाहिए, ठीक है। क्या है ये डेटाबेस? देखो आप माई सीक्वल सीख सकते हो, आप अगर ऑलरेडी जानते हो नो सीक्वल डेटाबेस के बारे में, एक डेटाबेस आप लोगों को आना चाहिए और पाइथन से कैसे कनेक्ट करना है इस डेटाबेस को वो आना चाहिए, ठीक है। पाए मोंगो होता है मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए, अगर आप फ्लास्क का इस्तेमाल करके कनेक्ट कर पा रहे हो सीक्वल अल्केमी की सहायता से माई सीक्वल डेटाबेस को, तो वो आपको एक डेटाबेस सीखना है और आपको थोड़ा बहुत क्वेरी का ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीक्वल इतनी सीख लो कि आप जो है लेफ्ट राइट जॉइंस लगा रहे हो सीक्वल में खतरनाक वाले, वो सब नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिर्फ इतना सीख लो कि आप डेटा स्टोर कर पाओ। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपने पैंडास डेटा फ्रेम से सब कुछ बना लिया, डेटा इंसाइट्स आपकी आ गई, फाइनल आपकी रोज आ गई, अब आपसे किसी ने कह दिया डेटाबेस में डंप कर दो और आप कह रहे हो ये क्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेटाबेस में आप स्टोर रिट्रीव कर सको डेटा, सिर्फ इतना इतना तो कर ही लोगे ना रिट्रीव, ठीक है, स्टोर और रिट्रीव कर पाओ डेटा, आप इतना मांग रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा आप लोग मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो आपकी स्मार्टनेस वहाँ लाई करती है कि आप इतना सीख लो कि आप कंपनी के काम के रहो, ऐसे बन जाओगे यार कंपनी का ये बंदा काम का है, इसको जितना डोमेन नॉलेज है अलग अलग एरियाज का वो सब है, स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान इसको है, प्रोग्रामिंग इसको आती है, वो ऐसे बंदे को हायर करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके एक्सपर्ट बन जाओगे तो शायद आपको इतना हायर ना किया जाए। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो आप लोगों को आनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ी कम है, वो है डेटा विजुअलाइजेशन के एक्सटर्नल टूल्स, विजुअलाइजेशन के एक्सटर्नल टूल्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो क्या होता है कि जो बिग डेटा वगैरह है वो आप हैंडल कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास अगर पाइथन की नॉलेज है तो आप बिग डेटा हैंडल नहीं कर सकते पाइथन से, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपकी मशीन्स पावरफुल हैं तो आपका बड़े से बड़ा डेटा यहीं पर हैंडल हो जाएगा। अगर आप 2 GB की मशीन में या 512 MB की मशीन में काम कर रहे हो तब एरर आ जाएगा आपको, तो वो तो देखो एरर आएगा आपको, वो तो आपको किसी भी लैंग्वेज में आ जाएगा एरर। बड़ा डेटा आप हैंडल अगर कर रहे हो तो आप लोग पाइथन से कर सकते हो, लेकिन कुछ टूल्स होते हैं ऐसे जो कि शायद अगर आप लोग देखोगे आपको यार ये तो बड़ा आसान था, ये तो यार मतलब 2 क्लिक में हो गया काम, जो मैं पाइथन में 100 लाइन का कोड लिखता वो तो यहाँ पे 2 क्लिक में हो गया, तो उन तरह की चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। मैं यहाँ पर इसको ऑप्शनल में डाल रहा हूँ, ऑप्शनल में, ठीक है, ऑप्शनल में क्यों डाल रहा हूँ वो भी बताऊँगा, रीज़न यही है कि यार पाइथन से हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऑप्शनल में डाल रहा हूँ। एक तो टैबल्यू है, ठीक है, एक टैबल्यू है, फिर उसके बाद हडूप है, ठीक है, ऑप्शन में डालें, फील फ्री टू इग्नोर, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगो डेटा साइंस वाली तब आना है इसमें आपको, कि यार जो कोड में लिखा करता था पाइथन में क्या उसको करने का कोई आसान तरीका भी है, या फिर अगर टैबल्यू बना तो क्यों बना, पावर बी आई बना तो बना क्यों। और ऐसा नहीं है कि आपको ये देखना ही है, मैं यहाँ पर इनको डाल रहा हूँ कि आप एक बार इनको खोल के देख सकते हो, एक बार देखो कि क्या है ये, एक बार विजिट करो यार कि ये क्या होता क्या है, टैबल्यू हडूप होता क्या है, पावर बी आई होता क्या है। और ये मैं लिख रहा हूँ एक्सेल की वीबीए, देखो बेसिक एक्सेल तो मैंने मस्ट में डाला हुआ है, एक्सेल की वीबीएस देखो क्या होता है, कि यार वहीं के वहीं आपका डेटा जो है प्रोसेस हो जाता है एक्सेल की वीबीएस। अब ये है कि ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं एक्सटर्नल टूल्स हैं, और ये आप लोगों को इसके वही फीचर्स देखने जो कि इजी हैं, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, ये नहीं कि आपने 4 दिन इसको दे दिया, नहीं, आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन में अगर आप देख लेते हो इनके बारे में तो अच्छी बात है, मैंने इसलिए ऑप्शनल में डाला है। एक बार आपको जॉब वॉब मिल जाती है, आप एक सफल डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो, फिर आप लोग को यहाँ पर लौट के कंप्लीट करना है, सबको देखना है कि भाई जो काम आप कोड लिख के करते थे वो किस तरह से इन टूल्स की सहायता से आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा ऑप्शनल वाली चीज़ें, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ जो है हमारी अगली वो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर 4 लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 4 MLDL। यार देखो MLDL अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि आप 5 साल में भी शायद ही पूरे कर पाओ, पूरे अच्छी तरह से करोगे। RNNs आते हैं, CNNs आते हैं, फिर उसके बाद हर साल कोई ना कोई रिसर्च आ जाती है, BERT आ जाता है, OpenGPT आ जाता है, इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि यार आप उसमें उलझे ही रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मार्ट
बंदे की तरह आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले एस के लर्न सीख लो, ठीक है। एक एस के लर्न है, और ये मैंने बता रखा है अपनी एमएल की प्लेलिस्ट में। एक टेंसर फ्लो जो कि मैंने अभी नहीं बता रखा है, हो सकता है फ्यूचर में मैं कवर करूँ, लेकिन वेट मत करो, टेंसर फ्लो 2 जो है उसको सीखो, ठीक है। कम से कम एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर पाओ। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? देखो न्यूरल नेटवर्क बहुत आसान सी चीज़ होती है, जिस तरह इंसान का दिमाग लर्न करता है उसी तरह उसका एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल बना के न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पैकेजेस हैं, जैसे टेंसर फ्लो है हमारा, बड़े आराम से न्यूरल नेटवर्क बना देता है। तो आपके पास कुछ डेटा है, आप फीड करो और आप लोगों को जो है इनसाइट्स ये दे देगा, ठीक है। तो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी लोग समझते हैं कि यार मैं तो मशीन लर्निंग जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे इतने कम टाइम में करूंगा। तो आपको भाई साहब रिसर्च नहीं करनी है मशीन लर्निंग में, आप कर लोगे। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि आप लोग जो है डेटा पे काम कर सको। कंपनी को क्या चाहिए? इनसाइट से आप अगर दे पा रहे हो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, तो उनको मतलब नहीं होता आपको क्या आता है, कितना डेप्थ में आता है, आप कितनी इक्वेशंस का जो है, कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, कितने डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, कितने खतरनाक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कहेंगे भाई आप कोड लिखोगे कस्टम, मैं कर दूंगा टेंसर फ्लो 2 में लगा के सॉल्व। तो लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि भाई बंदे ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ना कि अब आप अगर आके जस्टिफाई करोगे कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी। तो भाई मेहनत इज़ गुड, बट स्मार्ट वर्क कभी कभी काम आ जाता है, और ये साइकिल टेंसर फ्लो दोनों स्मार्ट वर्क करने में बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को देख लेना। इसके बाद यहाँ पर अगली जो चीज़ है वो है एक न्यूरल नेटवर्क, तो मैंने बताया एक टेंसर फ्लो हब है, ठीक है। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया अपनी लाइफ में, मैं बताता हूँ कब कब यूज़ किया मैंने। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। टेंसर फ्लो हब आपको एक बिल्ट मॉडल देता है, मतलब कि बना बनाया बिल्ट मॉडल, वो डेटा पे ट्रेंड होता है मॉडल, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोगों को डाउनलोडेबल मॉडल के तौर पे मिल जाता है, कोड भी लिखा लिखाया होता है, आपको बस एक दो लाइन लिखना होता है अपने डेटा पे फिट करने के लिए। जैसे कि मैंने यूज़ किया था यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर की एम्बेडिंग्स निकालने के लिए, इसको आप बर्ट एम्बेडिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, किसी ने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है और आपको फल खाने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक टेंसर बोर्ड होता है, ठीक है। तो टेंसर बोर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। टेंसर बोर्ड क्या होता है? जब आप यूज़ करोगे टेंसर फ्लो को तो आप लोग विजुलाइज कर सकते हो, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको टेंसर बोर्ड बताता है, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर लेना, बट ये आप लोगों को सिर्फ इतना सीखना है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे पास वीडियोस जो हैं उसमें मैंने बता रखा है कि सिर्फ एसके लर्न को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक वीडियो जिसमें मैंने एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जिसमें मैंने एसके लर्न को यूज़ करना सिखाया, उसको ज़रूर चेकआउट करना। टाइटल कुछ ऐसे है कि एंड टू एंड मशीन लर्निंग कोड वे धैर्य एंड टू एंड मशीन लर्निंग लिख देना, आ जाएगा वो वीडियो ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पर एसके लर्न मैंने आप लोगों को इस्तेमाल करना सिखाया है। चलो अब बात करते हैं कुछ धमाकेदार कोर्सेज की, जो कि आप लोगों को मतलब आप कहोगे मज़ा ही आ गया, ठीक है। ऐसे कोर्सेज आपको बताऊंगा। एक कैगल पे कोर्स है डेटा साइंस का, ठीक है। कैगल पे, कैगल की लर्निंग रिसोर्स है वो, ठीक है। तो उसका लिंक जो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये जो कोर्स है काफ़ी धमाकेदार है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया कोर्स है ये कैगल वाला, और इसमें काफ़ी चीज़ें इन लोगों ने दे रखी हैं। इसको आप खोलोगे ना आपको पता चल जाएगा कि यार मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। उसमें से आप जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बताए ना ऊपर, वो भी आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कोर्स है कोर्सेरा का, ठीक है। एक कोर्सेरा का कोर्स है और वो IBM के साथ गूगल ने मिलकर बनाया है। कोर्सेरा का कोर्स एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, ना कैगल वाले को आपको कोई पैसे देने हैं वो कोर्स करने के लिए, कोर्सेरा वाले तो मतलब फ्री में ही दे रहे हैं वो कोर्स, ठीक है। कर लो जाके, फ्री में है रिसोर्स, बहुत धमाकेदार लगी। इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि ये जो कोर्सेरा वाला IBM का कोर्स है ना, ये मैं भी देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि किस तरह से IBM में डेटा साइंस इस्तेमाल होता है, और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन सा मिल रहा है। तो मैं भी कर रहा हूँ सर, मैं भी एनरोल्ड हूँ उसमें, तो आप भी हो जाना एनरोल्ड, और ये रिपीटेडली चलता रहता है। और एक बार आप लोग जो है, अगर आपको नहीं मिलता है मान लो एनरोल होने का चांस, तो प्री रिकॉर्डेड मिल जाते हैं लेक्चर्स, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज का लिंक डाल दूंगा आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये जो दो कोर्सेज हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार पर्सनली, और ये IBM वाला तो बहुत ही अच्छा लगा। इसमें ज़्यादा सीखने को तो अभी तक नहीं मिला है, एक वीक अभी हुआ है। इसमें लोग ना मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेशन दे रहे हैं कि यार अ डे इन अ लाइफ ऑफ IBM डेटा साइंटिस्ट, और किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेटा साइंस की डिमांड बढ़ रही है, उस तरह की बातें थोड़ी मतलब होता है ना मोटिवेशन, और फिर दिखा रहे हैं IBM का ऑफिस और ये वो, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आगे देखते हैं कैसा होता है, बट अच्छा लगा मुझे तो मैं शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए, चार मैंने आप लोगों को बता दिए। अब एक और तगड़ा कोर्स है गूगल का ML का कोर्स, और ये जो गूगल का ML का कोर्स है ये
स्टार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर इसका लिंक वैसे मैं डाल दूंगा, लिखोगे गूगल पे तो भी आ जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि यार इसमें सिर्फ उतना दिया हुआ है जितना आप लोगों को चाहिए, और बहुत बढ़िया है ये। एम्बेडिंग्स तक के बारे में आपको बताया हुआ है, लेके देखो इस कोर्स को, प्ले करोगे मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है। और बड़ा अच्छा एनिमेशन के साथ है कोर्स, मज़ा आया मुझे देखने में, पर्सनली पूरा देखा हुआ है मैंने, तो आप भी इसको देखना ज़रूर। और ये ज़्यादा नहीं है, देखो यहाँ पे मिनट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई इतने मिनट्स खर्च होंगे आपके जब जब ये वीडियो देखोगे। और यार स्पीड बढ़ा के देख लेना, स्लो बोलते हैं ये लोग, स्पीड बढ़ा के देख लेना, इतना ही हुआ है तो, बट मैनेजेबल है। 3 महीने के अंदर अंदर आप कर लोगे, सारे के सारे वीडियोज़ आप देख पाओगे एज अ पार्ट ऑफ योर डेटा साइंस लर्निंग्स। अब इसके बाद एक और चीज़ जो आपको सीखनी है वो है लिनक्स और गिट, ठीक है। लिनक्स क्यों सीखना है आपको, यार लिनक्स के कमांड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आजकल आप किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में चले जाओ, आप लोगों को लिनक्स मशीन ही मिलने वाली है, आपको विंडोज़ में नहीं बिठाया जाएगा बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है आपको विंडोज़ में बिठाया जाएगा तो आपके जो काम चल रहे होंगे वो आप SSH करोगे लिनक्स मशीन में। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको लिनक्स सीखनी है, ठीक है। लिनक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लर्न लिनक्स इन वन वीडियो, जिसमें मैंने सिर्फ उतना लिनक्स बता रखा है जितना आप लोगों को चाहिए, तो उसको देख सकते हो। उसमें मैंने कम से कम टाइम में जितना लिनक्स चाहिए उतना सिखा रखा है। लिनक्स के कोर्सेज खोजोगे आप तो आप लोग को इतने लंबे लंबे कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको कहोगे यार इतने में तो यार मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उतना सिखाया कि आप VMs वगैरह चलाना सीख जाओ, एक मशीन में आप SSH करना सीख जाओ, वो सब चीज़ें मैंने उतनी सिखा रखी हैं आप लोगों को। ज़्यादा हाई फाई ना आप लोगों को सीखना है ना आप लोगों को सीखना चाहिए अगर आप एक डेटा साइंस की जॉब टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिट, गिट के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, गिट इन वन वीडियो, ठीक है, गेट इन वन वीडियो, वो भी देख लेना। सब लिंक्स दे दूंगा, एक PDF अटैच करूंगा मैं, या एक लिंक डाल दूंगा अपनी साइट का जहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा रहेगा, तो उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग GitHub की, अब देखो ये तो लर्निंग रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं इनको अलग रखता हूँ और थोड़ा सा गैप देके नीचे लिखता हूँ। ये तो आपकी लर्निंग रिसोर्सेज हो गई, तो यहाँ पर मैं लर्निंग रिसोर्सेज का जो है यहाँ पे इतनी है बस, ठीक है। लर्निंग रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं, अगर आपको लगता है बहुत चीज़ें सीखनी है तो नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग MLDL उतनी भी नहीं जितनी बताई उतनी, डेटा विजुअलाइजेशन के एक्सटर्नल टूल्स देख पाते हो तो देख लो, वरना एक्सेल में थोड़ी बहुत सीख लो करना काम, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं सी लिख देता हूँ। VBA ज़रूरी नहीं है, एक्सेल कंपलसरी है कि भाई ग्राफ ग्रुप बनाना सीख जाओ, सम और जो फंक्शंस होते हैं कॉन्कैटिनेशन के ये वो के वो सीख जाओ, कुछ काम एक्सेल में बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिनक्स और गिट, ठीक है, लिनक्स का वन वीडियो, गिट का वन वीडियो, वो देख लेना। एक्सटर्नल कोर्सेज में मैंने आप लोगों को एक तो कैगल का ये कोर्स बताया है, एक कोर्सेरा का बताया है, अब एक बुक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बुक है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, और उसके जो ऑथर हैं वो हैं विलियम मैकली करके नाम है, आई थिंक मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा किताब का, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को वो डेटा साइंस की जो बुक है वो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। डेटा साइंस की जो बुक है वो भी आप लोगों को PDF में मिल जाएगी, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस ओरियली की किताब है, विलियम मैकली करके नाम है उनका, ठीक है। आई एम नॉट श्योर मैं उनका नाम शायद गलत ले रहा हूँ, बट डेटा साइंस की बहुत धमाकेदार किताब है, बहुत धमाकेदार। और विलियम मैकली जी ने GitHub के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, वो भी बहुत कमाल के लिंक्स हैं यार, उसमें भी मुझे मज़ा आ गया देख के, ठीक है। एक और रिसोर्स बताता हूँ, आप लोग कहोगे कि यार ये सारी चीज़ें एक साथ एक वीडियो में, तो यार ये सब चीज़ें मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट करी हैं, आपको एक वीडियो में दे रहा हूँ। देखो एक बुक है और उस किताब का नाम है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, ऐसे कुछ है, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग, यार वो किताब बहुत मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार है। उसमें आप लोग को ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैंने बताए हैं आपको, इतना सीख लो। अब देखो क्या होता है कि जब आप ये करने स्टार्ट करोगे ना, स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, तो अंदर से आवाज़ आएगी, अंदर से क्या आवाज़ आएगी कि यार कवर टू कवर पढ़ लेता हूँ हाइंस, कवर टू कवर पढ़ोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और हो सकता है पढ़ ही ना पाओ। आप बताओ अपने आप से, पूछो, सवाल करो कि आपने कितनी किताबें कवर टू कवर पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी ना ज़्यादा किताबें कवर टू कवर, तो बस समझ जाओ जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो पढ़ लो बस, ठीक है, और उसके बाद पढ़ लेना कवर टू कवर। एक बार ये सब हो जाता है ना, वापस आके सब कुछ कवर टू कवर पढ़ लेना, नहीं हो पाता है कवर टू कवर, अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई कवर टू कवर पढ़ ले, तो आप उस आवाज़ को बोलो चुप, जितना बताया है उतना पढ़ूंगा पहले, फिर उसके बाद वापस आऊँगा कवर टू कवर, फिर पढ़ लूँगा, ठीक है। ऐसे करके चलाना है काम आप लोगों को। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो कि कमाल की हैं, आप लोगों को एक आई रखनी चाहिए उसमें। अब वहाँ से रट्टा नहीं लगाना, कुछ विजिट करना है डेली, ठीक है। इस 90 डे के प्रिपरेटरी पीरियड में आप लोगों को
आई रखना है, एक नज़र रखना है। एक तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक दूंगा, मैं यहाँ पर सिक्स करके अदर्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं बता रहा था आप लोगों को वो था गिटहब की ट्रेंडिंग रिपोजिटरी। मैं यहाँ पर अदर रिसोर्सेज करके बना देता हूँ, अदर रिसोर्सेज। एक तो गिटहब ट्रेंडिंग लिखोगे, गिटहब में लिंक दे दूंगा, गिटहब की ट्रेंडिंग रिपोजिटरी का एक लिंक है जहाँ पे सारी गिटहब की ट्रेंडिंग रिपोजिटरी होती है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि उसको विजिट कर सकते हो और वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी वो रिपोजिटरी हैं जो कि ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो गिटहब ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज आप लोग जाके देख सकते हो और वो कोड को डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि एक गिटहब की रिपोजिटरी थी, उसमें वॉइस रिकॉग्निशन का कुछ था और बड़े आराम से वो चल जाता है। आप डाउनलोड करोगे, जो जो उन्होंने बोला है वो इंस्टॉल करोगे, चला लोगे, चल जाता है वो, ठीक है। और एक बार पाइथन सीख गए आप तो ये सब चलाना और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। पाइथन और लिनक्स सीख गए तो, लिनक्स का तो खैर ज़्यादा काम रहता नहीं है, विंडो मशीन में भी चल जाता है, लेकिन गिटहब की ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज को डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एक ये हो गया। फिर एक पेपर्स विद कोड करके वेबसाइट है, बड़ी मज़ेदार वेबसाइट है। पेपर्स विद कोड में यह है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कोड के साथ दी जाती है, यानी कि आपको सोर्स कोड और गिटहब लिंक दिया जाता है। तो अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं शक्ल देख के बता दूंगा कि आप खुश हो या नहीं, ऐसा मॉडल मैंने बिल्ड किया है, तो वो सिर्फ पेपर में मैथमेटिक्स नहीं होती है, कोड भी होता है। तो ये पेपर्स विद कोड में क्या होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग को बताया जा रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और हम जो है आपकी आवाज़ को जो है डिटेक्ट कर लेंगे, कोड भी दिखाया जाता है। तो आप वहाँ पे कोड देख के बड़े आराम से ये कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ बची तो नहीं। हाँ, एक डेटा साइंस की न्यूज़ पढ़ लिया करो। इकोनॉमिक टाइम्स का एक लिंक है जो अपडेट होता रहता है विद लेटेस्ट डेटा साइंस न्यूज़, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स का जो लिंक है वो इकोनॉमिक टाइम्स का एक पेज है जिसमें सिर्फ डेटा साइंस की न्यूज़ छपती हैं और मैं उसको काफ़ी विजिट करता हूँ, और टेक्नोलॉजी से जो है आप अपडेटेड रहेंगे। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, उसमें कभी कभी ऐसी खबरें भी छप जाती हैं कि भाई जो एप्पल में डेटा साइंस के हेड हैं उनको कुत्ते ने काट लिया और असुविधा के लिए उनको बहुत खेद हुआ और ये वो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो वो सब इग्नोर करना, कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, बचा तो नहीं कुछ। हाँ, एक चीज़ बच गई यहाँ पर, लर्न टू स्क्रेप वेबसाइट्स। लर्न टू स्क्रेप वेबसाइट्स। अब स्क्रेप वेबसाइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट सीखने बैठ जाओ। आपको एक वेबसाइट से डेटा स्क्रेप करना आना चाहिए। मैंने BS4 का वीडियो बना रखा है, एक मॉड्यूल होता है BS4, उसको देख लेना। मैंने शायद आधे घंटे का वीडियो है, आधे या एक घंटे का वीडियो, वो देख लेना, समझ जाओगे, पूरा आइडिया लग जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि यार अगर किसी साइट पे डेटा है तो उसको कैसे आपको उठाना है वहाँ से, ठीक है। कभी कभी इन कंपनीज़ को अपना डेटा भी उठवाना पड़ता है साइट से। जैसे कि अगर आप लोग को कोई एक वेब पेज दिया हुआ है और आप चाहते हो उससे डेटा उठाना है तो वो आप लोग यहाँ पर उठा सकते हो, ठीक है, BS4 की सहायता से। मैंने वीडियो बना रखा है BS4 का, देख लेना। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कोई यार रिसोर्स बची तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया हो। हाँ, एक AWS सर्विसेज छोड़ दिया मैंने, और वो AWS सर्विसेज मैं ऑप्शनल में ऐड करूँगा यहाँ पर, AWS। अब AWS है, जैसे कि AWS में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मैं एग्जांपल लूँगा EKS की, ECS की, कुछ सर्विसेज हैं जो कि आप लोगों का काम जो है आसान बनाएंगी। तो AWS पर भी आप अपनी निगाहें रखें। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आपको सीखना है AWS, मैंने ऑप्शनल में डाला है इसको। एक्सेल सीखना है, लेकिन एक्सेल को मैंने सी लगा रखा है, कंपलसरी, एक्सेल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स वीडियो ख़त्म करने से पहले बोलना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात लोग पूछते हैं क्या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की। देखो, यहाँ पे मैथमेटिक्स की डिग्री भी कंप्यूटर साइंस जितनी ही स्ट्रांग है। स्टैटिस्टिक्स में अगर BSc भी है आपकी, किसी तरह की डिग्री है, बहुत स्ट्रांग है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट की डिग्री है या कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो चलेगा। लेकिन लोग बोलते हैं ना, डिग्री डजंट मैटर, डिग्री से कुछ नहीं होता। भाई, डिग्री मैटर्स, ठीक है। एक IIT का बंदा खड़ा है, NIT का बंदा खड़ा है और एक Tier 3 का बंदा खड़ा है, तो एक निगाहें लोगों की IIT वाले बंदे पे जाती हैं। लेकिन अब सुनो पूरी बात, मैंने ख़त्म नहीं करी बात अपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो Tier 3 कॉलेज का बंदा है या फिर जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए सारी होप्स ख़त्म हो गई हैं। वो उस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं अपने नॉलेज से, वो इस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं सीरियसनेस के साथ। IIT में अगर बच्चे ने टाइम वेस्ट किया है और एक यहाँ पर बंदा है जिसने कि मेहनत करी है और बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आती हैं, तो कंपनीज उसको हायर करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी ये मत कहना कि डजंट मैटर नहीं, इट मैटर्स, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बोला जाता है कि इट डजंट मैटर, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर, ठीक है। आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, काम करो उस पर, इंग्लिश पे काम करो अपनी, ठीक है। करो, पढ़ो, किताबें पढ़ो इंग्लिश में, इंग्लिश में थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट की चीज़ें जब कर रहे हो इंग्लिश में देखो, मूवीज़ देख लो इंग्लिश में, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये बोल के अपने आप को माफ़ मत करो कि यार इंग्लिश डजेंट मैटर, मैं तो गांव का लड़का हूँ, प्राउड विलेजर, नहीं, ठीक है। आपको, आप हैं प्राउड, अच्छी बात है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिग्री अगर आप चले गए, मान लो आपको 10 साल हो गए कॉलेज किए हुए, तो यार आप क्या कर सकते हो, फिर से तो डिग्री कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो
उसको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा पीछे, ठीक है। आप उसको नहीं रो सकते बैठकर, आपको आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और दो पॉइंट और लिखे हुए मैंने, हाँ, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, आप बैंकिंग की जानकारी रखते हो, बैंकिंग में डेटा एनालिसिस वो बंदा अच्छी लगा सकता है ना जिसको बैंकिंग के बारे में मालूम है या फाइनेंस के बारे में मालूम है, स्टॉक ट्रेडिंग करता है। तो अगर आप उस तरह के इंसान हो और उसी तरह की फील्ड में जा रहे हो तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। एक ये भी फैक्टर है, ठीक है। तो आप इसको अपने रिज्यूमे में मैंशन कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग से काम किया है और आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह चलती है, म्यूचुअल फंड्स और ये वो, तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल वाली बात मैंने बोल दी, और स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। जब आप सो रहे हो, जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, 3 दिन के लिए आपने ऑफ ले लिया, कोई और इंसान पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, इस सोच के साथ आगे बढ़ो, जो चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं इसको सीरियसली लो और एक्शन लेना स्टार्ट करो यार। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और डेटा साइंस का अगर चाहते हो कि यार मैं एक फ्री कोर्स बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हाँ बोलते हैं, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैंने ये वीडियो बनाया इसीलिए कि यार अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ कोर्स इन सब टॉपिक्स को क्लियर करते हुए, तो कम से कम यार आप लोग तो खुद से इसको सीख लो, इसीलिए मैंने बनाई है ये वीडियो। और मैं रोड मैप्स की और वीडियोस बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा रोड मैप्स की, जिसमें सारी चीज़ें सीखने के रोड मैप्स होंगे, कहाँ से क्या क्या मैंने सीखा खुद से, और वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होती है या वो आपको बताते नहीं है क्योंकि उनको अपना कोर्स वगैरह बेचना होता है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, एक पीडीएफ बड़ी अच्छी सी बना रखी है मैंने, या फिर मैं एक काम करूंगा साइट पर डाल दूंगा सारा कंटेंट, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इन सब रिसोर्सेज का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।